आओ साई मेरे साई साई बाबा। श्री साई बाबा के दरबार पर जो भी जाता है वो व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। श्री साई बाबा के दर्शन के बाद यही विश्वास और आस्था हर भक्त के जीवन से निराशा व दुखों को दूर कर देती है और उनके मन मस्तिष्क दोनों से उनको बलवान करती है। मनुष्य जीवन में अगर किसी की कमी कोई पूरी कर सकता है तो वो स्वयं परमात्मा श्री साई नाथ हैं। श्री साई नाथ की कृपा दिल्ली के रहने वाले रोमी छाबड़ा जी पर भी हुई और पिता की मृत्यु के बाद घर को संभालने में अगर किसी ने साथ दिया तो वो श्री साई बाबा ने दिया। उस कठिन क्षण में श्री साई बाबा ने ही उनको संभाला। रोमी जी की साई बाबा ने हर इच्छा पूर्ण की है। रोमी जी के संपर्क में आए साई भक्तों के अनुभवों को जब उन्होंने जाना तो उनका विश्वास श्री साई बाबा पर अटूट होता चला गया। रोमी जी का विश्वास ही है जो कहता है कि साई बाबा ने एक पिता की तरह उनका हाथ पकड़ा हुआ है और जीवन पर्यंत मेरा हाथ बाबा कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक मेरा जीवन है मैं हर पल बाबा के साथ बाबा का होकर रहना चाहता हूँ। ओम साई राम। जय श्री राम। मेरा नाम रोमी छाबड़ा है। मैं बाबा से पिछले 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मतलब 23 साल से बाबा से मेरा जो रिश्ता है रेगुलर मंदिर जाने का है। मतलब मैंने आज तक मतलब 23 साल में ऐसा मुझे कोई दिन याद नहीं कि मैंने जिस दिन बाबा के मंदिर ना गया हूँ। मतलब मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं जब भी रहूँ इस संसार में हर पल बाबा के साथ रहूँ, हर रोज़ बाबा के दर्शन करूँ, क्योंकि बाबा की मुझ पर असीम कृपा है। मेरे फादर पिछले 20 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, 20 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तो सब कुछ करने वाले मेरे ईश्वर ही हैं, मेरे बाबा ही हैं। इन्होंने कैसे संभाला, कैसे किया, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं, पर इन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ा तो इन्होंने आज तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मुझे यही उम्मीद है कि मेरा बाबा मरते दम तक हाथ नहीं छोड़ेंगे। मैडम इस मंदिर से हमें मान के चलो कि जब से ये मंदिर बना इस मंदिर में हम लोग 12 मेंबर हैं, 12 ट्रस्टीज हैं, जो कि जब ये मंदिर बना था, जब ये मंदिर की जगह आई तब सब आपस में यही डिस्कस हुआ कि ये मंदिर की जगह आ रही है, इसको कैसे वो किया जाए। तो हमारी भी ये इच्छा की थी इस मंदिर में हम लोग जुड़ के इस मंदिर को खड़ा करें और लोगों की यहाँ इच्छाएँ पूरी हों। मतलब जो भी भक्त बाबा के आएँ उनकी मुराद पूरी हो, मतलब भक्तों के कष्ट जो है बाबा दूर करें, यही दिल में मतलब यही इच्छा थी कि मतलब बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करें। तो यही हमारी इच्छा थी, इसीलिए मंदिर का ये बाबा ने जो कार्य संपूर्ण किया और ये मंदिर विशाल मंदिर का रूप इसने धारण कर लिया। शिरडी जाते हुए मेरे को 23 साल हो गए। हम जब भी शिरडी में रहते थे तो मैं शिरडी में नीम के बाबा के गुरुस्थान की परिक्रमा किया करता था 108। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं हर साल शिरडी जाता था, बाबा की कृपा रही साल में 2 बार शिरडी जाना शुरू हुआ। एक बार क्या हुआ, मैं परिक्रमा करते करते 108 परिक्रमा करते करते मेरे मन में ये विचार आया, बाबा ये परिक्रमा आप 1100 पूरी करा दो। तो वो बाबा ने मेरी परिक्रमा ऐसी पूरी कराई कि सुबह 6 बज गए, मेरी टांगों में मतलब बिल्कुल ऐसी बाबा ने कोई शक्ति डाली कि सुबह वो 6 बजे बाबा की ये परिक्रमा जो है 6 बजे ख़त्म हुई। मैं इतना अपने आप को मतलब वो मानता हूँ कि बाबा ने मेरे पे ऐसी कृपा करी कि ये 1100 परिक्रमा जो है नीम के पेड़ की मैं पूरी कर सका। जो बाबा की जो ये परिक्रमा जो बाबा ने मेरे से पूरी कराई, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को बाबा ने 1100 परिक्रमा करने का मौका दिया शिरडी में नीम के पेड़ का। इस मंदिर में जब से हम लोगों ने बाबा की मूर्ति स्थापना करी, जब से ये मंदिर बना, इस मंदिर में कई लोग आके हमें आके बोलते हैं कि भैया, एक भक्त मेरे को मिला, कहने लगा भैया मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में डाल सकूँ। मैंने अपने बेटे के फॉर्म भरे और फॉर्म भरने के बाद जो कि लोग जिस स्कूल में लोग सोचते हैं कि इतना डोनेशन देना पड़ता है, वहाँ मेरे बेटे का मतलब बिना किसी डोनेशन के नाम आ गया और उसका एडमिशन हो गया। तो उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने बाबा से यही कहा, बाबा ऐसे ही अपने हर बच्चों की, हर भक्तों की जो है इच्छा पूरी करते रहना और ये जो कृपा अपनी बनाए रखना। यही हमने मतलब बाबा के चरणों में यही बाबा को कहा कि ऐसे ही हर भक्त जो भी आपके मंदिर में आए और जो भी आपको सच्चे मन से याद करें,
मतलब उसकी हर इच्छा को आप पूरी करना, तभी ये मंदिर बनाया हुआ सबका सफल होगा। हर थर्सडे हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई हमारा यहाँ पर मंदिर में सिंगर आए और अपने भजनों से मंदिर के गुणगान करें। और जितने भी बाबा के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे रामनवमी का बाबा का मेन प्रोग्राम होता है, गुरु पूर्णिमा का बाबा का मेन प्रोग्राम होता है, तो हमारी ये मतलब ये सारे प्रोग्राम्स हम मतलब फॉलो करते हैं। इस मंदिर में बाबा की जो द्वारका माई बनी है, उस द्वारका माई में जब से अग्नि स्टार्ट हुई है आज तक वो अग्नि जलती आई है। उस अग्नि से विभूति निकालते हैं और वो लोगों को दी जाती है, जिससे लोग अपने दुखों का निवारण करते हैं। और इस मंदिर में बाबा का शयन कक्ष भी है, जो कि बाबा का जहाँ पर रात को अपना AC चलता है, बाबा जहाँ पर सोते हैं। और इस मंदिर में ही बाबा का प्राण कक्ष भी है, जहाँ पर लोग बाबा से जुड़ी हर पुस्तक पढ़ते हैं, जहाँ से लोगों को बाबा का ज्ञान प्राप्त होता है कि बाबा क्या थे और बाबा ने क्या क्या कुछ किया। तो वो इसी प्राण कक्ष में जहाँ हम खड़े हैं, वहीं बाबा अपना इसको किया करते थे। मतलब लोग यहीं पर आके वो बाबा की बुक्स पढ़ते हैं और अब बाबा के प्रति सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। हर किसी की मदद करो, जो भी कोई मजबूर हो उसकी मदद के लिए हर इंसान को तैयार होना चाहिए, और वो कर सके तो। अगर भगवान बाबा ने उसको सामर्थ्य दिया है किसी का कोई दुख निवारण करने की, तो उसको उसके दुख में भागीदार बन के उसको पूरा करना चाहिए। उसको मतलब किसी की हेल्प करनी चाहिए। बाबा ये कहते हैं कि हर किसी की हेल्प करो, किसी से जलो मत, किसी से ईर्ष्या मत रखो, किसी से भेदभाव मत रखो, किसी की निंदा चुगली मत करो। तो यही हम ये कहते हैं कि हर इंसान को यही होना चाहिए कि वो बाबा के जो भी वो हैं उस पर अपना फॉलो करें, बाबा के रूल्स फॉलो करें और उस पर चलें, बाबा के सच्चरित्र को फॉलो करें उस पर चलें। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।